अरे वेकी बे उठ जाओ ना। अबे यार क्या है शिनचैन, सुबह सुबह क्यों उठा रहा है यार। अरे वेकी बे भूल गई क्या, हमको एयरपोर्ट जाना था। एयरपोर्ट? एयरपोर्ट पे क्या है? अरे वेकी बे भूल गई क्या, वो आ रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे चल 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 जल्दी चल। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था शिनचैन भाई, थोड़ा जल्दी उठा देता, बहुत ही लेट हो गए। पर अरे वेकी बे मैं क्या करूँ, मैं आपको एक घंटे से उठा रहा हूँ, आप फिर बार बार बस बोले जा रहे 10 मिनट में उठता हूँ। अरे सॉरी सॉरी शिनचैन। तो गाइस यार अभी हमें जाना है एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं लॉस सैंटोस में। तो अभी फटाफट से अपन एयरपोर्ट चलते हैं, यहाँ से अपनी गाड़ी को खुदा लेता हूँ। अरे वेकी बे गाड़ी मत खुदा। अरे अभी शिनचैन क्या करे, लेट हो गए इसलिए थोड़ी गाड़ी इधर उधर चलानी पड़ रही है। तो हम बस यार एयरपोर्ट पहुंच चुके और यहाँ पे हम आ चुके हैं, अपने सारे सारे गेस्ट भी लगता है आ चुके हैं। अरे सॉरी सॉरी हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो गाइस यार स्वागत कीजिए हमारे चारों के चारों गेस्ट का, जो कि है शिनचैन के दोस्त। मैं क्या बताऊं, आप सब इनको जानते होंगे, फिर भी यार ये अपना अपना इंट्रोडक्शन दे ही देंगे। मेरा नाम है मैनी, चलो हम लॉस सैंटोस में आ गए, अब घर घर खेलते हैं। मेरा नाम है कसामा, मुझे लॉस सैंटोस में कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर अच्छी ट्यूशन में भी एडमिशन लेना पड़ेगा। मेरा नाम मसाओ है। अबे रो क्यों रहा है, क्या हो गया? मेरी पानी की बोतल गुम हो गई। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पानी की बोतल दिला दूंगा। मेरा नाम बो है, मुझे पता चला है लॉस सैंटोस में अलग अलग तरह के पत्थर मिलते हैं, मुझे वो सारे पत्थर चाहिए। अरे हाँ सबको पत्थर मिल जाएंगे, और तुझे ट्यूशन में भी भेज दूंगा, और तुझे पानी की बोतल भी ला दूंगा, और घर घर भी खेल लेंगे। अरे विकी बे क्या अपना रैम चैलेंज रेडी है? अरे हाँ शिनचैन तूने मुझे बोल दिया था कि इनको रैम चैलेंज करना है, तो मैंने बिल्कुल सारी सारी तैयारी कर दी है। तो अभी बिना किसी देरी के चलते हैं अपन रैम चैलेंज, क्योंकि शिनचैन के सारे दोस्तों ने बोला था उनको एक बार रैम चैलेंज करना है। तो बिना किसी के चलते हैं रैम चैलेंज पे। तो गाइस यार मैंने इनको डिसाइड करने के लिए दिया था इनको कौन सा रैम चैलेंज करना है, तो इन्होंने मुझे अपना रैम चैलेंज बताया था जो कि इनको करना था। सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है और अपने साथ यार हल्क भी आए हैं, क्योंकि यार वो रास्ते में घूम रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी रैम चैलेंज के बुला जाए। तो यार यहाँ पे सारी सारी गाड़ियां खड़ी है। अरे ये मोटा ग्रीन कद्दू जैसा क्या है? अरे अरे ये ग्रीन कद्दू नहीं है, ये हल्क है, ये मेरा दोस्त है। अरे फेकी मैं प्राइस भी तो दिखा दो। अरे यार शिनचैन अभी मैं प्राइस भी दिखा देता हूँ, जो कि यार जो भी रैम चैलेंज कम्प्लीट करने वाला है उसको मिलने वाली है ये 7 बुगाटी, इतना सारा गोल्ड, और ये 4 गोल्डन हेलीकॉप्टर्स। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाने वाली है नैनी, देखते हैं ये क्या करके दिखाती है। अरे मेरी बात सुनो, रैम चैलेंज तो होता रहेगा, मैं तो बोल रहा हूँ कहीं पे साइड में चल के घर घर खेलते हैं, मजा आएगा, मैं तुम सबके लिए चाय और कुकीज बनाऊंगी। अरे हाँ खेलेंगे खेलेंगे, टेंशन मत ले, हम यार तेजा जरूर घर घर खेलेंगे, पर अभी यार ये रैम चैलेंज कर लेते हैं। अरे ठीक है ठीक है, अगर ये मैं रैम चैलेंज जीती तो तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे नहीं यार इसको रैम चैलेंज बिल्कुल मत जीतने देना। अरे मुझे इसके साथ नहीं खेलना। अरे विकी बेयर इसको हरा दो ना। अबे मैं क्या हरा दूं, ये कहां जा रही है वैसे, इसको फैन मार मार के इधर उधर भगा रहे, मुझे तो नहीं लगता ये पहुंचने वाली है, इसको फैन ने उड़ा उड़ा के इधर उधर फेंक दिया, फिर से उड़ा दिया भाई साहब। अरे मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे रैम चैलेंज नहीं खेलना, मुझे कर कर खेलना, मुझे ले चलो। अरे नहीं 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 रैम चैलेंज तो करना ही पड़ेगा, और ये यहाँ से निकल चुके, फिर से फैन ने उड़ा दिया है, ये बहुत ही ज्यादा आगे तो पहुंच चुकी है, क्या ये पहुंच पाएगी? और इसकी गाड़ी बिल्कुल उड़ती जा रही है, क्योंकि इसकी गाड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी है ठोकरे खा खा के, और इसकी स्पीड बहुत ही स्लो है, और ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, और ये तो नीचे गिर गई, और तो नैनी हो चुकी है डिस्क्वालीफाई। अच्छा है भाई घर घर खेलने को नहीं मिलेगा। अरे क्या मुझे जाना है, चलो ठीक है मैं ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ, अब इस गाड़ी से मैं जीतूंगा, फिर जितना प्राइस मिलेगा उन सबको बेच के बहुत सारे पत्थर लूंगा। अब इसको पत्थरों को क्या चाहिए, ऐसा क्या खाएगा क्या पत्थर? अरे हाँ मेरे पास बर्गर वाला पत्थर है, उसको मैं खाता हूँ। अरे अरे गलत जा रहा है, अरे वो उधर नहीं जाना। अबे कहाँ जा रहा है ये, अबे बिल्कुल उल्टी साइड जा रहा है। अरे वहाँ पे मुझे पत्थर दिखा, रुको मैं पत्थर लेके आता हूँ। अरे भाई साहब ये तो यार यहाँ से गाड़ी लेके कूद गया, और यार वो भी अपना हो चुका है डिस्क्वालीफाई। अब बारी अपने हल्क की, इसको पता नहीं पत्थरों से ऐसा क्या मारा है, अब देखते हैं अपना हल्क क्या करके दिखाता है। अरे ये सब बच्चों के सामने मैं तो बहुत ही खतरनाक हूँ, ये देखो अभी 1 सेकंड में मैं ये रैंप जीत जाऊंगा, फिर मैं बहुत सारी बुगाटी में घूमूंगा, हेलीकॉप्टर में घूमूंगा, और गोल्ड का बर्गर खाऊंगा। अबे किसी को पत्थर का बर्गर खाना है, किसी
किसी को गोल्ड का बर्गर खाना है, क्या चल रहा है जिंदगी में, और ये इतनी बड़ी बस को लेके गया था। अरे ये क्या, मुझे चक्कर आ रहे, मुझे उल्टी आ रही है, अरे 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 बचा मुझे। अब ये फैन ने तो उसको यार उतरते ही उड़ा दिया भाई साहब, और ये अपने हल्क भी हो चुके, डिस्क्वालीफाई क्यों हो गया, ये आगे कंटिन्यू करना चाहते। अब बारी है मसाओ की, देखते हैं ये क्या करके दिखाते हैं। सारे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये रैप नहीं करना। अरे कोई बात नहीं, डर मत यार, कोई बात नहीं, हारेगा तो। अरे नहीं, सब मुझको चिढ़ाएंगे, मैं नहीं कर रहा। अरे अरे कर ले, कोई बात नहीं, अगर जीत गया तो सब तेरे को शाबाशी देंगे, तेरे को बुगाटी मिलेगी और गाड़ी बता सर बहुत सारी चीजें मिलेगी। अरे क्या सही में, चलो मैं जीत जाता हूँ। अबे ये रोता ही रहता है क्या पूरा दिन, आज के कुछ काम दाम नहीं है क्या? अबे शिनचैन कैसे दोस्त है तेरे? एरी फेकी बे यार, मैं क्या करूँ? अबे तू क्या करेगा, इसी गाड़ी देखो कैसे घूमती जा रही है, ट्रैक्टर घूमते जा रही है भाई, कितनी ज्यादा ठोकरे खा लिए। अरे मुझे बताओ, ये ट्रैक्टर रोक ही नहीं रहा, कोई तो बचा लो मुझे। अबे इसको कैसे रोकूं यार? अरे ये ट्रैक्टर में से धुआं निकल रहा है, भागो, मैंने ट्रैक्टर खराब करती है। अरे मसाओ तू रो मत यार, ठीक है ट्रैक्टर खराब हो गया तो। तो गाइस सर अब बारी है मेरी, मुझे ये रैंप चैलेंज कंप्लीट करना है। वैसे तो प्राइस जो वहाँ पे है वो मैंने ही रखा है, पर मुझे ही चाहिए भाई, सात सात आठ आठ बुगाटी, इतना सारा गोल्ड, चार चार गोल्डन हेलीकॉप्टर, मतलब यार फुली मजे हो जाएंगे, तो मुझे जीतना पड़ेगा। पर ये मेरे लगता है गाड़ी थोड़ी सी गलत चूज कर ली, बहुत ही धीरे गाड़ी चल रही है, पर कोई बात नहीं, मैं सारे के सारे फैंस से, अरे यार मैं बोल नहीं पा रहा था कि मैं फैंस से बचते बचाते जाऊंगा, पर मैं जैसे ठुक गया अभी वापस से मैं गोल्ड गोल्ड घूम के नीचे गिर रहा हूँ। अरे फैन ने फिर से मार दिया यार, चलो यार बस थोड़ा थोड़ा पास यार, मैं धीरे धीरे जाता जा रहा हूँ, ये फैन मुझे ठोकर मारते जा रहे हैं। अभी फैन के ऊपर ही चढ़ गया मैं, अरे कोई उतारो मुझे, अभी चलो यहाँ से मैं आ चुका हूँ, और ये मेरी गाड़ी यार वापस से ठोकर खाते हुए जा रही है, और यहाँ पे चलते फटाफट से यहाँ पे मस्त से लैंड करता हूँ। अरे लैंड हो जा, लैंड हो जा। अरे गाड़ी कहाँ जा रही है, अबे कौन सी बेकार गाड़ी है भाई, पहले तीन जैसे स्लो चल रही थी फिर एकदम से फास्ट हो गई यार। अब यार कजामा और शिनचैन बचे, चलो देखते हैं इनमें से यार कौन जीतेगा। एनी फेकी भाई ये भी कोई पूछने की बात है, मैं ही जीतूंगा। अबे शिनचैन हो सकता है कजामा भी जीत जाए। एनी फेकी भाई मैं तभी खैस नहीं, तेरी तारीफ तो मैंने नहीं करी वैसे, पर ठीक है। तो यार अब यार काजामा ने यार बैटमैन की कार ले ली, देखते ये क्या करके दिखाते हैं। एरी फेकी में ही पजामा क्या ही करेगा? अरे पजामा नहीं काजामा, एरी फेकी में वही तो बोले पजामा है। अरे छोड़ यार शिनचैन को कौन समझाएगा, शिनचैन को समझाना भी बहुत ही भारी काम है। तो अभी यार इसने बहुत ही बड़ा दिमाग लगाया, ऊपर यार फैंस नहीं थे तो इसने यार अपनी गाड़ी पूरी ऊपर घुमा ली, और ये सीधा चार, और ये गाड़ी से कूद भी चुका है, और ये क्या करना चाहते, और ये पैराशूट खोला, और ये क्या, इसे तो जरिए लैंड कर लिया। अरे मैंने तो बोल रही था मैं बहुत ही समझदार हूँ, मैं जीत गया, ये मुझे बुगाटी मिली, मुझे हेलीकॉप्टर, मुझे मुझे गोल्ड मिला है, और ये शिनचैन का बच्चा तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। अरे पजा मैं जाते मत बोल, मैं तेको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे कहीं से रुकू, अब तो मुझे जीतना पड़ेगा, कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सी गाड़ी लूँ, मुझे जीतना है कैसे भी करके, चलो ये ले लेता हूँ। अब शिनचैन जीतना है कि हारना है भाई, टैंक कौन लेता है, टैंक बहुत भारी होता है। अरे फेकी भैया मेरे में बहुत ही दिमाग है, कुछ भारी भारी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रुको अभी देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। दिखा भाई क्या करता हूँ, ये क्या कर रहा है, ओबे ओबे इसने रैंप से यार उस अपने टैंक को खुदा लिया, और ये ऊपर जाता जा रहा है। शिनचैन देखो पता है तो डिस्क्वालीफाई होने वाला है, तू सीधा नीचे गिरने वाला है। एनी फेकी भी ऐसे कैसे रुको तो सरी। अरे भाई साहब शिनचैन ने क्या दिमाग लगाया है, ये तो रैंप के ऊपर चढ़ गया, और यहां से बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली इसको यहां से जाने में। एनी फेकी भी यार अब देखो मैं क्या करके दिखाता हूं। तो गाइस यार अभी ये शिनचैन ने यहां से अपना टैंक खुदा लिया, क्या ये लैंड कर पाएगा? और जी हां इसने यहां पे लैंड कर लिया, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से लैंड कर लिया, और शिनचैन भी अपना जीत चुका है। एक सेकंड, पर ये कजामा और शिनचैन के बीच में तो टाई हो गया, अब क्या करें? एनी वेकी में टाई के यार मुझे दे दो सारे के सारे। अरे ऐसे तो ना होता है यार, कजामा को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। रुको मेरे पास एक आईडिया है। तो गाइस यार तीन बुगाटी शिनचैन की, दो हेलीकॉप्टर शिनचैन की, और तीन बुगाटी कजामा की, और दो हेलीकॉप्टर कजामा के, और सारा का सारा गोल्ड भी मैंने बांट दिया है, तो सारा का सारा प्राइस मैंने आधा आधा कर दिया है। तो कोई बात नहीं यार, फुल यार मजे करो दोनों को यार, तीन तीन बुगाटी और सबकी सब चीजें मिल गई है, और मैंने दोनों से बात कर लिया कि मुझे यार एक एक बुगाटी दे देंगे, क्योंकि तीन दिन तो क्या ही करेंगे, तो मुझे एक एक बुगाटी फ्री फ्री में मिल गई, मुझे मेरे पास यार दो दो बुगाटी हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, इस बार तो मैं जीत नहीं पाया, अगली बार जरूर कोशिश करेंगे। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जॉइन फॉलो कर लेना, और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।